स्वरा ने थारे से पूछा भी था, कहा था वाने कि थारे साथ कोई और भी। बताओ उर्वशी, कौन है थारे साथ इस गंदगी में? बताइए मासी। बताते सब सच सच बताते हैं। स्वरा कहाँ है? आई थिंक स्टोर रूम में सिस्टम चेक करने गई होगी ताकि हम सबको अच्छे से सुनाई दे। मैं जाके देखता हूँ। ये बताओ तुमने सब किया कैसे? हमने शर्मिष्ठा जी के दूध के गिलास में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब वो बेहोश हो गई उसके बाद हमने पूरे नाटक को अंजाम दिया, और जब तक वो होश में आई तब तक हम वापस आ चुके थे। आज हमें बहुत खुशी हो रही है मासी कि हमने आपकी जगह हमारी बहन पर विश्वास किया। रागिनी, जब मुझे स्वरा ने प्लान के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि मासी पे नजर रखो, उसने तुम्हारे बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। स्वरा और हमने तय किया था कि अगर स्वरा यहाँ नहीं आई तो हम ये सब पूरा करें। रागिनी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। स्वरा, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा ही नहीं है। हम जानते हैं कि ये सब हो ही नहीं सकता। हम इस सब का हिस्सा नहीं बन सकते। तुम्हें हिस्सा नहीं बनना है, मत बनो। रागिनी प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ मेरे साथ। स्वरा देखो, तुम कुछ भी कहो, हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। हमें ये सब मास्क देखो। ये जानकी माँ का मास्क है। रागिनी, अगर इस प्लान के बाद मैं गलत साबित हुई तो मैं प्रॉमिस करती हूँ सबको पर्सनली सॉरी बोलूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इस प्लान से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, मासी का भी नहीं। ये तुम भी जानती हो कि जानकी माँ एक बहुत अच्छी और सच्ची इंसान थी। वो किसी का बुरा नहीं चाह सकती, और इसमें सबसे ज्यादा हमारी माँ को सहना पड़ रहा है, और उन्हें इन सब से सिर्फ स्वरा और रागिनी बचा सकती है। स्वरा की नहीं बचा सकती है। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बाद मैं सीढ़ियों पर आऊंगी। अगर तुम मुझे सीढ़ियों पर देखो तो समझ आना कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, और अगर नहीं तो उस बैग में जानकी माँ की साड़ी रखी है। वो साड़ी पहनकर और ये मास्क पहनकर तुम्हें जानकी माँ बनकर मासी के सामने आना। हमें पूरी उम्मीद थी कि स्वरा यहाँ आ जाएगी, पर स्वरा मासी, कहाँ है हमारी बहन? स्वरा कहाँ है? मासी, स्वरा कहाँ है? क्या किया आपने स्वरा के साथ मासी? उर्वशी, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया है तुमने? कहाँ है स्वरा मासी? राखी, शांत हो जाओ। अंकल आंटी,
ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। स्वरा यहीं कहीं घर में होगी, हम लोग उसे मिलके ढूंढते हैं। कुछ लोग यहीं रुक के मौसी पे नजर रखें ताकि वो यहाँ से भाग ना जाए। यही मौका है, स्वरा को ढूंढ के सबकी नजरों में महान बन जाती हूँ। नहीं, तुम वॉशरूम में चेक करो, मैं यहाँ पे चेक करती हूँ। रागिनी, संस्कार, स्वरा, 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 उठो, स्वरा, 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 इससे मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ये सब मौसी ने किया है। स्वरा, आंखें खोलो स्वरा। स्वरा, स्वरा प्लीज अपनी आंखें खोलो। स्वरा, स्वरा प्लीज। स्वरा, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ स्वरा? स्वरा, किसने किया ये सब? मैं स्टोर रूम में थी, किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। स्वरा, खून, स्वरा, लक्ष्य, प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। इसका इल्जाम भी आप अपने सर पे लें डॉक्टर। मौसी, ये क्या है? ये आपने क्या किया? स्वरा को जख्मी तुमने किया है, तुमने मारा उसे? संस्कार, ये देखो, इस पे खून भी लगा हुआ है और ये रॉड मौसी के हाथ में थी। इससे पहले तुम मुझसे कुछ गलत हो जाए, लक्ष्य, फोन लगाओ पुलिस को और इसे गिरफ्तार कर बताओ। नहीं जीजा जी, जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। जी जी की खातिर हमें माफ कर दीजिए। बस मौसी, अपनी गंदी जुबान से हमारी माँ का नाम लेने की हिम्मत भी मत करिएगा। लाडो, लाडो, सिकम, तुम तो निष्ठा जी तो ऐसी ना थी।
खबरदार अगर मेरी बेटियों की तरफ आने की हिम्मत भी की तो बचपन से रागिनी अपनी मां के लिए तरसी है। सोरा के साथ तो मैं थी पर रागिनी हमेशा से अकेली थी। जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने कोशिश की है कि मैं रागिनी का वो अकेलापन दूर कर सकूं। पर तुम तो उसकी मासी हो ना, मासी का मतलब भी समझती हो, मां जैसी। आज अगर जानकी जिंदा होती ना तो वो भी तुमसे नफरत करती। तुम जैसी खतरनाक और चालाक औरत के साये से भी अपनी बेटियों को दूर रखती। सुनो, ये कहा हमारी बहू ने, निकल। सिर्फ अपनी जानकी की वजह से उसका लिहाज करके थारे को पुलिस के हवाले नहीं कर रहे। लेकिन एक बात सुन ले, मारे घर परिवार और मारी पोतियों के आसपास की नजर मत आना आज। अच्छा नहीं किया आप सबने, बहुत बेइज्जती की हमारी। लेकिन आज के बाद इस घर में आप लोगों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा। रागिनी तुम, हमने जो ये सब किया ना वो सिर्फ तेरी खुशियों के लिए किया था। तूने भी हम पर भरोसा नहीं किया, स्वरा पर भरोसा करने की वजह से बहुत पछताएगी, खून के आंसू रोएगी। और स्वरा तू मासी, स्वरा पर उठने वाली हर बुरी नजर को पहले मेरा सामना करना। अब अगर आप नहीं गए तो आपका वो हाल करूंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। निकल जाइए यहां से। रागिनी बेटा, सोरा को चोट लगी है, उसे आराम करने दो। सोरा, सोरा तुम, I'm sorry, हम भूल गए कि तुम्हें चोट लगी है। I'm sorry, हम रागिनी। Congratulations, सोरा। All the very best for your life. नहीं नहीं सोरा, तुम बैठो, आराम करो, मैं चली जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? जहां मुझे मेरी मंजिल ले जाए। सुनो बेटा, घर में हंसी खुशी का माहौल है, हम चाहेंगे कि तुम भी इसमें शामिल रहो। हाँ कविता, हम चाहते हैं कि जब तक इन दोनों की शादी ना हो जाए तुम यहीं रुको। नहीं बड़ी माँ, मैं चलती हूँ।
शायद मेरा यह रहना ठीक नहीं होगा। शायद संस्कार को अच्छा ना लगे। I'm sorry, कविता, I'm really very sorry. I'm sorry, मैंने तुम पर शक किया। मुझे स्वरा की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो गया था। It's okay. मैं चलती हूँ। अगर मैं कहूँ तब भी तुम नहीं रुकोगी। कविता, प्लीज रुक जाओ ना। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। सत्यानाश। संस्कार, बेटा स्वरा को ऊपर ले जाओ। शेखर जी, स्वरा को थोड़ी देर आराम कर लेने दीजिए। आप लोग थोड़ी देर बाद चले जाइएगा। आइए, तब तक हम लोग खाना खा लेते हैं। आइए। खबरदार, अगर मेरी बेटियों की तरफ आने की हिम्मत भी की तो। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही? थैंक यू मौसी, किसी को कुछ ना बताने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है, चलो यहाँ से। आप जाइए ना, मैं अंदर जा रही हूँ। वो संस्कार ने मुझे शादी तक रुकने के लिए कहा है। चलो अच्छा है, अब हम उनके बीच में रहकर ही उन्हें बर्बाद करेंगे। रागिनी के साथ साथ अब हम उस स्वरा को भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत पछताएगी वो। अब अगर आप नहीं गए तो आपका वो हाल करूंगी जो आप कभी सोच भी नहीं सकती। जाइए यहाँ से। एक बार उस स्वरा का काम तमाम हो जाए, उसके बाद तुम और संस्कार। हाँ, अब ठीक कह रही है। अब अच्छा मौसी, मैं चलती हूँ। अब अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। बहुत खुश हो रहे होंगे सभी, ये सोचकर कि उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। लेकिन ये लोग नहीं जानते कि एक बला को टाल कर उससे बड़ी बला को उन्होंने अपने सर पर न्योता दिया है। बदला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बदले की कहानी तो भी शुरू हुई है। क्यों? जी जी, 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 जी। संस्कार, रागिनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सच कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। झांसी की रानी मत बनो और आराम करो। चलो। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। ये तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, तुम लेटो। ये तकिया लो। हाँ सर, सर ऐसे रखो, अच्छे से रखो। स्वरा, सच सच बता, तुम सच में ठीक हो या नहीं? तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, नहीं? कितना कितना खून बह गया। हमें तुम्हारी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। हम ऐसे क्यों देख रही हो? थैंक यू मेरा काम पूरा करने के लिए, वरना मासी की सच्चाई कभी सबके सामने नहीं आती।
रागिनी, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, फिर भी तुमने हिम्मत की, उसके लिए थैंक यू। नहीं स्वरा, ये तो हमें कहना चाहिए हमारी आंखें खोलने के लिए, वरना पता नहीं हम क्या क्या सोच बैठे थे। कोई बात नहीं रागिनी, एक ना एक दिन तो सच को सामने आना ही था ना। स्वरा, हम सच में मानने लग गए थे कि अगर तुम इस घर में वापस आ गई तो हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, इसलिए हम एक बहुत बहुत गलत कदम उठाने वाले थे। तुम्हारे और संस्कार के तलाक से जुड़े पेपर्स पर हमने साइन कर दिया था। पर स्वरा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए हम वो पेपर्स वापस लेके आ गए। हम ये कदम नहीं उठा पाए स्वरा। स्वरा, हमसे गलती तो हुई है, इसलिए तुम्हें हमें सजा देने का पूरा हक है। तुम जो सजा हमें दोगी हमें मंजूर होगी। नहीं रागिनी, तुम गलती करने वाली थी पर तुमने की तो नहीं ना। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुमने उसे अपना कर और तुमने उसे सुधार लिया, मेरे लिए तो यही काफी है। तुमने हमें माफ कर दिया? हाँ, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद इस रागिनी में मुझे अपनी बहन रागिनी नजर आई है। अब तुम्हारी रागिनी कहीं नहीं जाएगी स्वरा। गिनी, अब स्वरा गिनी फिर से एक होंगी। अरे यार लकी, मुझे तो लगा कि ये दोनों झगड़ा कर रहे होंगे। हम झगड़ेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दोनों की साथ में शादी होने वाली है, तो किसके फेरे पहले होंगे, कौन क्या पहनेगा, संगीत में कौन जीतेगा, किसकी रस्में पहले होगी, तो मुझे लगा इन सब बातों को लेकर झगड़ा हो रहा होगा। हमें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ साथ में होगा। आज हम बहुत खुश हैं स्वरा, आज हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें हमेशा से चाहिए था। अब हम एक साथ हैं, अब कुछ बुरा ना लगा।